कई राज्यों में मार्च के महीने में ही लोगों को जून जुलाई जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। 121 साल के बाद सबसे ज्यादा गर्म है मार्च। अप्रैल में पारा और ऊपर चढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है। जिन राज्यों को लेकर लू चलने की चेतावनी जारी की गई है उनमें बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई इलाके हैं जिनमें लू चलने की संभावना है। विदर्भ और गुजरात में भी पारा ऊपर चढ़ेगा। दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। इतना ही नहीं, आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी भी कुछ राज्यों में जारी की है जिनमें बंगाल की खाड़ी से तेज दक्षिण पश्चिमी हवाएं अगले 5 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का कारण बनेंगी। 2 से 4 अप्रैल के बीच पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके और सिक्किम में भारी बारिश का अनुमान है। 3 से 4 अप्रैल को मेघालय में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 121 सालों में मार्च इस बार सबसे ज्यादा गर्म रहा। 1908 के बाद सबसे कम बारिश मार्च में दर्ज हुई। मौसम विभाग के मुताबिक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के अभाव में उत्तर भारत में इस दौरान असामान्य रूप से पारा तपा है और कम बारिश हुई है। आईएमडी के मुताबिक 6 अप्रैल को दक्षिण अंडमान सागर और आसपास के इलाकों में एक ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के आसार हैं। ऐसे में इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आपको बता दें कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन में लो प्रेशर एरिया बनता है और हवाएं आपस में मिलकर उठती हैं। वहीं एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन में हाई प्रेशर एरिया बनता है जिसमें हवाएं बिखरती हैं और नीचे गिरती हैं। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 3 से 6 अप्रैल के बीच कुछ इलाकों में बेहद गर्म हवाएं चलने की आशंका जताई है। आईएमडी कहता है कि बेहद गर्म हवाएं तब चलती हैं जब सामान्य तापमान से 6.4 डिग्री ज्यादा हो जाता है। राष्ट्रीय राजधानी में सुबह से धूप खिली हुई है। मौसम विभाग ने आसमान दिन भर साफ रहने और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।